समय है, और जब आप इस समय का इस्तेमाल करोगे, अद्भुत और महान चीज़ें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, अद्भुत महान चीज़ें आप अपने जीवन में देखना शुरू करोगे। परमेश्वर आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता है, ये समय जो अभी का जो समय है, ये आपका समय है, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। ये इंतज़ार नहीं करें कि थोड़ा सा और इंतज़ार करता हूँ, थोड़ा सा और प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा और मैं वेट करता हूँ। नहीं, अभी वो समय है, अभी ये समय आपका है, जहां पर परमेश्वर शांत नहीं रहेंगे। अब परमेश्वर अच्छी चीजों को आपके जीवन में सेटल करेंगे, परमेश्वर अच्छी बातों को आपके जीवन में लेकर आएंगे। बढ़ोती का समय अभी है, उन्नति का समय अभी है, इंक्रीमेंट का समय अभी है, हर एक चीजों में अच्छी बातों को देखने का समय अभी है, अच्छे खबरों को सुनने का समय अभी है, अच्छे बातों का अनुभव करने का समय अभी है, अभी है। और अभी का जो समय है, परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे। हर एक बातों को हम परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, हमारी विचार धारणाओं को, हमारी कमी घटियों को, जिन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो, अभी वो समय है जहां पर आप उन चीज़ों को त्यागे। अभी वो समय है कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ऐड ऑन करें। अभी वो समय है, अभी वो समय जहां पर आपका प्रार्थना का जीवन जो है वो ऊंचे स्तर पर जाएगा। अभी वो समय जहां पर आप परमेश्वर के वचनों को पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर आप समझने लोगे। अभी वो समय है। यीशु मसीह ने जब कहा कि आप ये मटकों को कट टू कट पूरी तौर पर भर दो, और थोड़ा सा पहले मुझे टेस्ट करने के लिए लेकर आओ, और फिर आप बांटना बाद में, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्हें मालूम है अगर मैंने कहा है तो ये पूरा होगा, मैंने कहा है ये पूरा होगा। आपने शायद पहले कुछ अनुभव किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप चीजों को डिक्लेयर करना चालू करोगे, लोगों के जीवन में वो चीज होगा। आपने शायद कुछ चीजों का अनुभव किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे तो लोगों के जीवन में वो दिखाई देगा, लोगों के सेवकाई में वो दिखाई देगा, लोगों के रिश्तों में वो दिखाई देगा, लोगों के परिवारों में वो दिखाई देगा, लोगों के करियर में वो दिखाई देगा, लोगों के सपने में वो दिखाई देगा, लोगों के दर्शन में वो दिखाई देगा। क्योंकि अभी ये समय हमारा है और हम इस समय का इस्तेमाल करेंगे, इन समय को स्वीकार करेंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में अभी ये परिवर्तन का समय है, अभी मेरे जीवन में बदलाव देखने का समय है, अभी ये समय जहां पर मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, अभी ये समय जहां पर प्रभु मैं आपके लिए इस नए चीजों करूंगा, प्रभु अभी ये समय है जहां पर परमेश्वर मैं पहले से ज्यादा वक्त आपके साथ बिताऊंगा, अभी ये समय है, अभी ये समय है। हालेलुया।